स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम विद्युत अपघटन के नियम पढ़ेंगे, लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, यानी किस प्रकार से विद्युत का अपघटन किया जाता है और किस वैज्ञानिक ने उसका नियम दिया। यानी जो ये क्वेश्चन है, फैराडे के विद्युत अपघटन नियम, ये बोर्ड के अनुसार बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम हर बार आते ही आते हैं बोर्ड में। इन्होंने दो नियम दिए थे, प्रथम नियम और द्वितीय नियम। और फैराडे के विद्युत अपघटन नियम जब आप पढ़ेंगे तो इसमें आप देखेंगे किस प्रकार जब हम किसी कैथोड या एनोड पर जब विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं कंटेनर्स में, तो उसमें जो मुक्त होने वाले, क्योंकि कैथोड्स पर भी कुछ जमा होता है और एनोड्स पर भी कुछ जमा होता है, तो उस वक्त उस पर होने वाले जो पदार्थ की मात्रा होती है, जमा होने वाले पदार्थ की मात्रा, वो विद्युत धारा के समानुपाती होती है या उसके अनुक्रमानुपाती होती है। तो इस प्रकार से विद्युत अपघटन के दो नियम दिए गए थे। इनमें हम आज पहला नियम और द्वितीय नियम दोनों पढ़ते हैं। तो फैराडे का प्रथम नियम लिखिए, फैराडे का प्रथम नियम ये कहता है कि यदि कैथोड्स, आपको मालूम ही है कैथोड और एनोड्स, ठीक है, कैथोड्स और एनोड्स पर मुक्त होने वाला पदार्थ जो होगा, मुक्त होने वाला पदार्थ की मात्रा, मुक्त होने वाले पदार्थ की जो मात्रा होती है, वो विद्युत अपघटे विलयन से प्रवाहित होने वाली धारा की मात्रा के क्या होती है, समानुपाती होती है। तो शॉर्ट में इसे बोल सकते हैं हम, कैथोड से एनोड पर मुक्त होने पदार्थ की मात्रा विद्युत धारा के क्या होती है, समानुपाती होती है। ठीक है, जितनी विद्युत धारा प्रवाहित होगी उसकी क्या होगी, समानुपाती होगी। माना आपने लिखा Q कूलाम है, Q कूलाम आवेश की विद्युत धारा क्या होती है, प्रवाहित होती है। जब आप विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो नेचुरली कैथोड सरण पर पदार्थ की मात्रा क्या होगी, जमा होगी, और इलेक्ट्रोड्स पर जमा पदार्थ की मात्रा W ग्राम है। ठीक है, तो जमा हुए पदार्थ की मात्रा उस विद्युत धारा के क्या है, अनुक्रमानुपाती। जब हम एक एम्पियर की धारा एक सेकंड तक प्रवाहित करते हैं तो आप भी जानते हैं Q इज इक्वल टू क्या होता है, आईटी, यानी किसी एक समय पर, किसी एक सेकंड तक यदि कोई विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, यानी एक एम्पियर की विद्युत धारा यदि एक सेकंड तक प्रवाहित करते हैं तो उसका आवेश उस वक्त कितना हो जाता है, एक कूलाम आवेश होता है। ठीक है, तो यहां पर अगर मैं कॉन्स्टेंट वैल्यू हटाऊंगी तो Q इज इक्वल टू क्या होता है, Q इज इक्वल टू आई टी, यानी W अनुक्रमानुपाति किसके है, आई टी के, और उसकी जगह मैंने लिख दिया Z आई टी। ठीक है, Z एक कॉन्स्टेंट वैल्यू है जो समानुपाति स्थिरांक कहलाता है, जिसे Z को हम यहाँ पे लिख सकते हैं विद्युत रासायनिक तुल्यांक, यानी इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट्स, क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रो केमिकल इक्विवेलेंट, यानी तुल्यांक, इसको कहते हैं तुल्यांक भी कहते हैं इक्विवेलेंट्स को। ठीक है, तो W बराबर जेड आई टी, क्योंकि जो कि मैंने आई टी लिख दिया, क्योंकि अगर एक एम्पियर की धारा एक सेकंड प्रवाहित की जाती है तो उस वक्त उसमें जो आवेश प्रवाहित होता है वो भी क्या होता है, एक कूलाम होता है। ठीक है, अब यदि हम कहें कि हम उसको लिख रहे हैं जिसको हम बोल रहे हैं t बराबर 1, और हमने लिखा i बराबर भी कितना 1, तो यहां से W बराबर क्या हो जाएगा, z। ठीक है, यानी इसका अर्थ ये हुआ कि किसी भी विद्युत रासायनिक तुलांक यानी z पदार्थ की ग्राम में वह मात्रा होती है जो एक एम्पियर की धारा एक सेकंड तक प्रवाहित करने पर इलेक्ट्रोड पर मुक्त होती है। यानी अगर आप यहां पर से डेफिनेशन निकालना चाहें इसकी, तो जेड बराबर डब्ल्यू
ये डेफिनेशंस इसके अकॉर्डिंग बनेगी यदि मैं आई और टी की जगह कितना कितना लिख दू, वन वन, तो डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, जेड। तो कुल मिलाकर के रसायन तुल्यांक क्या चीज होती है, तो वैद्युत रसायन तुल्यांक पदार्थ की ग्राम में वह मात्रा है, लिखना चाहें डेफिनेशंस लिख लीजिए इसकी, विद्युत रासायनिक तुल्यांक पदार्थ की ग्राम में वह मात्रा है जो क्या करती है, एक एम्पियर विद्युत धारा को एक सेकंड तक एक कूलाम आवेश विद्युत धारा प्रवाहित करने पर इलेक्ट्रोड पर मुक्त होती है। ठीक है, तो ये इसकी डेफिनेशंस निकली कि वैद्युत रसायन तुल्यांक क्या है, पदार्थ की वह मात्रा होती है जो एक एम्पियर विद्युत धारा को एक सेकंड तक एक कूलाम आवेश विद्युत धारा प्रवाहित करने पर इलेक्ट्रोड पर मुक्त होगी, वो उसका रसायन तुल्यांक कहलाएगा। तो कुल मिलाकर के फैराडे का जो प्रथम नियम है वो ये कहता है कि किसी भी कैथोड्स या एनोड्स पर मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा उसके विद्युत धारा के क्या होती है, समानुपाती होती है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं फैराडे के द्वितीयक नियम में, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट नियम है फैराडे का द्वितीय नियम, लिखिए फैराडे का द्वितीय नियम। तो हम द्वितीय नियम पढ़ा रहे हैं कि क्या होता है, फैराडे का जो विद्युत द्वितीय नियम है वो विद्युत की समान मात्रा के साथ है और विभिन्न इलेक्ट्रॉन पर मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा को प्रदर्शित करता है, यानी विद्युत धारा समान होगी और विभिन्न इलेक्ट्रोड पर, यानी आपकी इलेक्ट्रोड अगर भिन्न भिन्न है तो उन पर मुक्त होने वाले पदार्थ के मध्य है, किस किस के मध्य है, समान धारा और विभिन्न इलेक्ट्रोडों ठीक है, इन दोनों के मध्य ये नियम बनाया गया था। तो इस नियम के अनुसार क्या कहता है ये नियम, कि जब विद्युत धारा की मात्रा विभिन्न विद्युत धारा की समान मात्रा कर लीजिए, क्योंकि इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है, समान मात्रा विभिन्न विद्युत अपघट्यों में प्रवाहित की जाती है, तो इलेक्ट्रोड्स पर मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा क्या होगी, भिन्न भिन्न होगी। तो इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाली पदार्थ की मात्रा भिन्न भिन्न होगी, ठीक है, यानी उनके रासायनिक तुल्यांक क्या होंगे, अलग अलग होंगे। रासायनिक तुल्यांक क्या होंगे, जैसे इसका यहाँ पे आपने विद्युत प्राप्त किया तो उसमें जितना इलेक्ट्रोड होगा तो उस पर मुक्त पदार्थ की मात्रा अगर भिन्न भिन्न होगी तो उन पदार्थ के रासायनिक तुल्यांकों के वो क्या होंगे, समानुपाती होंगे, क्योंकि मुक्त पदार्थ की मात्रा उसके रासायनिक तुल्यांक के क्या होते हैं, समानुपाती होते हैं। माना हमने कहा दो सेल आपने लिए और उन पर मतलब एक ही प्रकार की समान धारा प्रवाहित करी, और तब आपने कहा कि अगर जब हम उसमें समान धारा प्रवाहित करते हैं तो समान धारा प्रवाहित करने के बाद उसमें कहां से वो रिलेशन पाया जाएगा जो ये कहता है कि समान धारा प्रवाहित करने पर उसमें इलेक्ट्रोड विभिन्न इलेक्ट्रोडों के मध्य जो विद्युत धारा प्रवाहित जब की जाती है तो समान विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उनके जो मुक्त होने पदार्थ की मात्रा होती है वो क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है। माना पदार्थ की मात्रा
डब्लू वन डब्लू टू है, मैंने दो लिए तो उस प्रकार से आपको लिख दिया, ठीक है। उसकी मात्राएं डब्लू वन और डब्लू टू है, और रासायनिक तुल्यांक ई वन और व ई टू है। इसको ई से दिखाते हैं, ई वन व ई टू, या आप इसको जेड भी कह सकते हैं, वो स्थरांक कहलाता है, रासायनिक तुल्यांक ई वन ई कहलाता है। तो यहां पर प्रथम नियम क्या कहता है कि डब्लू वन इज इक्वल टू आपके पास आता है जेड वन आई टी, और अगर पदार्थ की मात्रा डिफरेंट हो गई तो जेड टू आई टी, क्योंकि आई और टी तो समान ही रहते हैं, ठीक है। ये दोनों जो आपके पास जेड वन और जेड टू है वो इसके क्या है, वैल्यूज हैं। तो हमने लिखा यहाँ पे डब्लू वन अपॉन डब्लू टू इज इक्वल टू जेड वन आई टी अपॉन जेड टू आई टी, ठीक है। आई टी ई वन और ई टू की वैल्यू है, ये किसकी वैल्यू है, ई वन और ई टू की। तो हमारे पास डब्लू वन अपॉन डब्लू टू इज इक्वल टू आ जाता है ई वन अपॉन ई टू, ठीक है। तो यानी कुल मिलाकर के आपके हिसाब से जेड किसके है, ई के क्या है, समानुपाती, वो स्थरांक था, और ये क्या है, ई वैद्युत रसायन तुल्यांक, ठीक है। तो ये सेकंड नियम भी इसमें मैंने बता दिया कि फैराडेस के नियम के लिए, और जो फैराडे का स्थरांक होता है वो कितना होता है, 96,500 एम्पियर, कितना होता है फैराडे नियतांक, एफ की वैल्यू होती है, इसको एफ से दिखाते हैं, 96,500 कूलम, ये इसकी वैल्यूज है, स्क्रीनशॉट लीजिए। आज की वीडियो में मैं केवल दो ही रूल्स पढ़ाया मैंने, फैराडे का प्रथम नियम, फैराडे का द्वितीय नियम। ओके स्टूडेंट्स।